दोस्तों जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सी स्किल्स की जरूरत होती है, लेकिन उन सब स्किल्स में से भी एक सबसे जरूरी स्किल है जिसे डिनाय यानी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है कम्युनिकेशन स्किल, मतलब आपके बोलने की कला। जी हाँ, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, स्मार्ट हो, कॉन्फिडेंट हो, लेकिन यदि आपके अंदर बोलने की कला नहीं है तो ये कमी आपको बहुत लोगों से पीछे धकेल देगी। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ। तो आज के इस वीडियो में क्या खास होने वाला है? आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सब बातें नहीं बताऊंगा कि आई कांटेक्ट मेंटेन करो, चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखो, बॉडी लैंग्वेज वगैरह वगैरह। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 सिंपल बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अप्लाई करने के बाद आपकी कॉन्वर्सेशन बहुत स्मूथ और आसान हो जाएगी और आपकी कॉन्वर्सेशन में से और बताओ जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी। आप अच्छे से बात कर पाओगे और कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो क्या है वो 5 टेक्निक्स? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। क्वालिटी। दोस्तों बातचीत के दौरान आप कितना बोलते हो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या बोलते हो। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। आपने अक्सर ऐसे लोगों को तो देखा ही होगा, या फिर आप भी उन लोगों में होंगे जो बातचीत के दौरान एक्चुअली रियली जैसे शब्दों का बार बार इस्तेमाल करते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन में 20 बार, जी हाँ 20 बार एक्चुअली वर्ड का यूज करता है। जैसे मैंने उससे पूछा, कल कॉलेज नहीं आए तुम? अरे कुछ नहीं, वो एक्चुअली मैं थोड़ा बीमार था। अच्छा क्या हुआ? एक्चुअली पिछले 2 दिनों से थोड़ा फीवर था। तो अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? अभी ठीक है, दवाइयाँ चालू हैं, एंड सो ऑन। इस तरह 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन में वो एक्चुअली वर्ड की बौछार कर देता है। इतना ही नहीं, हर सेंटेंस के बाद जैसे वर्ड्स का यूज करता है जिसकी कम्युनिकेशन में जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा वो बातचीत के दौरान एक गलती और करता है जिसके बारे में अगले पॉइंट में बात करते हैं। फिलहाल एक लाइन में कहूँ तो अपनी बात को टू द पॉइंट रखो। फालतू के वर्ड्स जिनकी जरूरत नहीं उनका इस्तेमाल ना करें, या ये कहें कि जिन वर्ड्स की सही में जरूरत है अपनी बात को कन्वे करने के लिए उन्हीं का इस्तेमाल करें। नंबर 5, पॉजेस एंड इमोशंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो यानी मेरा दोस्त बातचीत के दौरान एक गलती और करता है, और वो गलती है रोबोट की तरह बोलना, यानी बिना पॉज लिए बिना इमोशन के पूरी बात खत्म कर देना। जैसे अभी 10 दिन पहले की बात है, मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है। वैसे वो पढ़ने में अच्छा था, तो उसने मुझे बोला कि मुझे सबसे ज्यादा साइंस पसंद है और मैं रोज 3 घंटे साइंस पढ़ता हूँ, और एक्चुअली मैं नीट की तैयारी में लगा हुआ हूँ। ये बात उसने बिना पॉज दिए एक सांस में बोल दी और उसके वर्ड्स में कोई इमोशन भी नहीं था। तो अब आप मेरी और मेरे दोस्त की कॉन्वर्सेशन से क्या सीख सकते हो? आपको पॉज लेना है, जहाँ सेंटेंस खत्म हो रहा है वहाँ 1 से 2 सेकंड रुकना और फिर बात कंटिन्यू करनी है। इसके अलावा आपको बातों में इमोशन ऐड करना है। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आज मौसम कैसा है, तो ये बोलने के बजाय कि आज मौसम बहुत अच्छा है, लगता है बारिश होने वाली है, इसकी जगह ये बोलना, वाह आज क्या मौसम है, लगता है बारिश आने वाली है। पूरी तरह फील के साथ और आराम से एक सही पिच और स्पीड पे बोलना है, ना कि तोते की तरह। अगर आप सैड बात बोल रहे हो तो थोड़ी टोन को पिच को लो करो, और अच्छी बात बोल रहे हो, कोई खुशी की बात है, तो फिर उसे टोन में बोलो एनर्जी के साथ। याद रखना हर शब्द सुंदर है, तो उसे उसी सुंदरता के साथ बोलिए। नंबर 4, स्पीक इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज की लिस्ट में 3रे नंबर पर है, और अगर आप इंग्लिश बोलना सीख जाते हो तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में 4 चांद लगा देगी। इंग्लिश आपकी पर्सनालिटी को, आपके बात करने के तरीके को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो अच्छे से इंग्लिश लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और पढ़कर समझ भी लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो बोल नहीं पाते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है तो मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। कैम्बली इंडिया की एकमात्र ऐसी ऐप है जिसके माध्यम से आप कनाडा, यूके के ट्यूटर्स से 1-on-1 प्राइवेट इंग्लिश क्लासेस ले सकते हैं, और इसकी सबसे खास बात ये है कि सारे ट्यूटर्स इतने ज्यादा फ्रेंडली, सपोर्टिव, कोऑपरेटिव है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी और से या किसी अनजान से बात कर रहे हो। What's your name? My name is Clive. Clive. So Clive, where are you from? I'm from London, England.
इसके अलावा इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिजनेस, आईएलटीएस के कोर्सेज भी मौजूद हैं। नंबर 3, यूज स्टेटमेंट्स। दोस्तों, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और उसके ऊपर एक के बाद एक क्वेश्चन दाग रहे हो, तो ऐसे में मोस्ट प्रोबेबली वो इंसान आपसे दूरी बना लेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो और मन ही मन आपसे जल्द से जल्द पीछा छुड़वाने की कोशिश करेगा। इसलिए जरूरी है कि सवाल पूछने की जगह स्टेटमेंट्स यूज करो। मैं आपको दो तरह की स्टेटमेंट्स बताता हूँ। पहली है कोल्ड रीड स्टेटमेंट। इस टेक्निक में आपको सामने वाले से क्वेश्चन नहीं पूछना है, उसके बारे में अंदाजा लगाना है उसके हाव भाव बॉडी लैंग्वेज को देखकर। जैसे आपको सामने वाले से पूछना है कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, तो ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। इसे आप कुछ इस तरह से पूछ सकते हो, आप बहुत इंटेलिजेंट लगते हो और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है एंड आप 11th में हो। अगर आप गलत होंगे तो वो सामने वाला आपको करेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप सही हुए तो आपकी और उनकी अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। यही टेक्निक साधु लोग भी लोगों का भविष्य बताने में इस्तेमाल करते हैं। सेकंड, स्टोरी टेलिंग। जैसे आपको सामने वाले से पूछना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे हार्ड लगता है, तो आप अपनी बात बता सकते हो। जैसे, मुझे मैथ से बहुत डर लगता है, मैथ्स के सम सॉल्व ही नहीं होते। ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि सामने वाला भी अपने वीक सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दे। नंबर 2, कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग। दोस्तों, क्या आपकी कॉन्वर्सेशन में भी और बताओ और बोलो और सुनाओ ये सब चलता रहता है? तो इसका सोल्यूशन है कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग। जी हाँ, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ से हो, आपने कहा मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ, और आप, मैं भीलवाड़ा से हूँ। अच्छा, और बताओ। ऐसे पूरी कॉन्वर्सेशन बेकार हो जाती है। आपको ये नहीं करना है, तो आपको क्या करना है? इसकी बजाय आप कुछ ऐसे जवाब दे सकते हो कि मैं उदयपुर से हूँ, बट मैं यहाँ से बाहर किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट होना चाहता हूँ। एक ऐसी जगह शिफ्ट होना चाहता हूँ जहाँ प्रदूषण बिल्कुल कम हो। सिंपल भाषा में कहूँ तो आपको एक वर्ड में आंसर नहीं देना है, आपको क्लोज एंडेड नहीं, ओपन एंडेड क्वेश्चन और आंसर करने हैं, ताकि सामने वाले को भी उसी आंसर या उसी क्वेश्चन में से और क्वेश्चन फ्रेम करने का मौका मिल जाए। अगर आप बहुत कम जानकारी डिस्क्लोज करोगे तो फिर कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग कैसे होगी? सो आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, नॉट क्लोज एंडेड। जैसे, आप क्या सोचते हो, योर ओपिनियन, ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब यस नो में नहीं दिया जा सकता। नंबर 1, लॉस अवर्जन। दोस्तों, इसे समझने के लिए चलिए एक शर्त लगाते हैं। जीत और हार पर क्या होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूँ। ऑप्शन 1, अगर आप जीते तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा, और अगर आप हारे तो आपको मुझे 20 रुपए देने होंगे। ऑप्शन 2, अगर आप जीते तो मैं आपको 30 रुपए दूंगा, और अगर आप हारे तो आपको मुझे कुछ भी नहीं देना होगा। विच ऑप्शन विल यू चूज? जरा सोचिए। रिसर्च के अनुसार अधिकांश लोग ऑप्शन 2 चूज करेंगे, क्योंकि उसमें फायदा भले ही ज्यादा ना हो पर नुकसान बिल्कुल नहीं है। हमारी फितरत ही ऐसी है कि फायदा हो या ना हो, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अब आप इस फंडे को कम्युनिकेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, जब भी आप किसी इंसान से मिलो तो उसे एक सिग्नल दो कि आप उसके बहुत काम आ सकते हो। अपना रोना रोने से ज्यादा अच्छा है कि आप बातों ही बातों में उसे एहसास करवा दो कि ये बंदा मेरे बहुत काम का है। इससे आप एक अच्छे इंसान दिखते हो, लोग आपकी बातों में रुचि लेते हैं और आपको खोने से डरते हैं। बट हाँ, ध्यान रखना, सामने वाले को फील करवाना है कि आप उसके काम के हो, ना कि उसे डायरेक्टली बोलना है कि तू मेरे साथ रहेगा तो मैं तुझे हंसाऊंगा, तेरा साथ दूंगा, तुझे खिलाऊंगा, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, अब वीडियो को समराइज करते हैं। जब भी किसी से बात करो तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो। ऐसे क्वेश्चन पूछो जिनका जवाब यस और नो में नहीं दिया जा सकता, और शब्दों की क्वालिटी पर ध्यान दो। कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो, और बातचीत के दौरान स्टेटमेंट खत्म होने पर पॉज लो और फील के साथ बोलो, बिकॉज हर वर्ड सुंदर है। इसके अलावा सामने वाले को फील करवाओ कि आप उसके बहुत काम के इंसान हो। अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सामने वाले से बात करते हो तो आप उसकी नजर में एक अच्छे इंसान बनोगे, तो लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट लेंगे और आपको सभी पसंद करेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।